हम लोगों का सबसे बड़ा समस्या है शौचालय का। हालांकि सामुदायिक शौचालय हम लोग चौक के बगल में ही बना हुआ है, पर यूज के लायक नहीं है। स्थिति बहुत बदतर है। हमारे चौक के अंदर ही थाना है, ब्लॉक है, बैंक है, महिला ऑफिस है बगल में ही, जहाँ की दीदियों का आना जाना लगा हुआ रहता है। डेली मार्केट, सब्जी मार्केट भी बगल में ही है, जहाँ दीदियों को दिन भर रहना पड़ता है। पर बहुत समस्या होता है शौचालय का, क्योंकि सार्वजनिक शौचालय बंद हो गया है, पर वहाँ साफ सफाई का कमी है, पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी का एक सपना स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में शौचालय बनाने एवं खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य को देखते हुए आज देश के प्रत्येक परिवार एक सार्वजनिक स्थानों में एक सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है, जिससे आम जनता को खुले में शौच ना करके एक शौचालय का प्रयोग करे और भारत एक स्वच्छ भारत बनाए। लेकिन आज इस वीडियो में आप सबको मैं खूंटी जिला रनिया प्रखंड में 2014-15 में पूर्व विधायक मत से एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया है, लेकिन पिछले 2 सालों से ये शौचालय की स्थिति इतना बदतर हो गई है, हमारा प्रखंड की महिला दीदियों आज इस शौचालय का प्रयोग ना करके खुले पर शौच पर मजबूर हैं। इस वीडियो में आप सबको मैं अवगत करना चाहता हूँ कि हमारा प्रखंड की संख्या 30 से 40 हजार की आबादी में है, और आज ये प्रखंड में आज देखा जाए तो ब्लॉक भी है, थाना भी है, स्वच्छ अस्पताल भी है, और महिला दीदियों का ऑफिस भी है, और यहाँ प्रतिदिन चौक चौराहा में बाजार भी लगती है, और यहाँ के महिला दीदियों का कहना है कि आज ये शौचालय का स्थिति ठीक नहीं होने से आज हम लोग को हाफ किलोमीटर दूर खुले में शौच करने पर मजबूर हैं, जिससे बहुत कई तरह का परेशानी भी होती है हम लोग को। ये जो आपके प्रखंड में जो आप सामुदायिक शौचालय काफ़ी दिन से स्थिति ठीक नहीं है, इससे क्या क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग यहाँ पर दुकान पर रहते हैं, दिन में कभी भी जैसे जाना होता है, शौचालय जाना होता है, तो हम लोग को इधर उधर देखना पड़ता है, किधर जाए जैसे लगता है। कितना दिन से बंद है ये, क्या ठीक नहीं है? ये हो रहा होगा 2 साल जैसा, 2 साल से स्थिति है। शौचालय का स्थिति देख के जाने का मन तो नहीं करता है। पानी क्या स्थिति है दीदी? पानी तो वहाँ शौचालय में बिल्कुल नहीं है, पानी रहता तो गंदा ही नहीं होता। क्या नाम है दीदी? अनीता मानकी है मेरा नाम। क्या का दुकान है? चौमिन और पास्ता का दुकान है मेरा। कब से दुकान है दीदी? हो रहा है 4-5 साल हो रहा है। तो आपके यहाँ जो सामुदायिक शौचालय स्थिति ठीक नहीं है, उससे क्या परेशानी हो रही है? हम लोग को यहाँ शौचालय के लिए बहुत दिक्कत पड़ रहा है, हम लोग को ढेर दूर जाना पड़ रहा है, कम से कम आधा घंटा जैसे हम लोग को जाना पड़ रहा है दुकान छोड़ के, और अकेले रहने से तो और दिक्कत पड़ रहा है, कहाँ किसके जगह छोड़ेंगे और कहाँ जाएंगे जैसे लगता है हम लोग को। कितना दिन से बंद है ये? हो रहा है 2 साल जैसे हो रहा है हम लोग का। और क्या दिक्कत हो रहा है बताइए? और पानी का दिक्कत पड़ रहा है सर, और एक दुयो जैसे यहाँ पब्लिक बाहर से आता है वो लोग के लिए, उन लोग के लिए भी पानी पीने के लिए दिक्कत पड़ रहा है बहुत, हम लोग भी बहुत दूर से ढोके लाते हैं। इस समस्या का जानकारी मुझे ब्लॉक आने के दरमियान में पता चला, और मैं सर्वप्रथम दीदी महिला दीदियों के ऑफिस जाकर उनसे बातचीत करने के बाद एक मीटिंग की हम लोग, और अपना परिचय देते हुए हम लोग एक प्रखंड विकास प्राधिकारी के नाम पर एक लिखित आवेदन तैयार किए, और दिनांक 8/3/2024 को महिला दीदियों के साथ हम लोग प्रखंड विकास प्राधिकारी के पास मिलने गए, लेकिन जिला में मीटिंग होने कारण प्रखंड विकास प्राधिकारी से मिल नहीं पाए, लेकिन हम लोग ऑफिस में दे के चले आए। लेकिन मैं इस समस्या के लिए मैं लगातार प्रयास करता रहूँगा ताकि इनके साथ जो समस्या हो रही है प्रखंड में वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। हमारा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।